हेलो आदाब सत श्री अकाल वड़कम केम छो राम राम वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है दोस्तों 10 का दम में, जहां पे आपको मिलती हैं 10 बेहतरीन जॉब अपडेट्स जो आपके फ्यूचर को करती हैं बूस्ट। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे 10 बेहतरीन अपडेट्स के बारे में। और ये हफ्ता बड़ा ही अच्छा रहा मेरे लिए और यू कैन से 10 का दम परिवार के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन बेहतरीन आज मेरे पास अपडेट्स आप लोगों के लिए। और स्पेशली जो फ्रेशर्स लोग हैं मोस्टली सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए हैं। तो ये वीडियो जो है फ्रेशर्स के लिए ज़्यादातर है, तो दम लगा के इसको शेयर करो, दम लगा के मतलब जितना हो सके उतना दम लगा के शेयर करो। और वैकेंसी सारी देख के भी आपको मजा आ जाएगा अप्लाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ और अप्लाई कर दो। चलो बिना वक्त जाया करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। सो वेलकम बैक अगेन द निम्बस लर्निंग। फर्स्ट जो मेरी जॉब अपडेट है दोस्तों, फर्स्ट है मेरी जॉब क्रिएटेक्स के बारे में, क्रिएट के बारे में, क्रिएट एनर्जी के बारे में मेरी फर्स्ट अपडेट है। यहां पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और जिनका 1 ईयर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे जो पैकेज दिया जा रहा है बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, फ्रेशर का टैग अपने माथे से हटाओ। जब हटा रहे हो तो आप कभी भी पैकेज को मत देखना कि मुझे कितना पैकेज मिला। एंटीन एनालिस्ट आप, या तो आपके पीछे बहुत बड़ा टैग होना चाहिए, बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए कॉलेज का, या आप ठीक ठाक कॉलेज से हो और अभी कोई जॉब नहीं है तो बहुत बड़ा पैकेज मत देखना आप कभी भी, ठीक है। तो जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है और जो कि बहुत बेहतरीन बात है। क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिनकी डिग्री है वो डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करेंगे। लिंक कहाँ मिलेगा आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगली मेरी जो अपडेट है, अगली मेरी अपडेट आ रही है AGCL की तरफ से। AGCL की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पे, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे BE BTech वाले एलिजिबल हैं इन चार ब्रांच में, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, बट दोबारा से मैं कहूंगा आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, 50 पोस्ट पे आपको नहीं बैठना है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपको पैसा 25,000 मिलेगा, बट कोई बात नहीं पैसा कम है, बट हमें अपना फ्रेशर्स का टैग हमने हटाना है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ रही है मेरी फ्लैक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, और फ्लैक्ट्रॉनिक्स में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। जॉब लोकेशन चेन्नई रहने वाली है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका वर्क एक्स 2 ईयर्स तक का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मेरी अपडेट आ रही है दोस्तों डेनफोर्स की तरफ से। डेनफोर्स में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट यहां पे निकली है। जो लोग फ्रेशर्स हैं अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 1 ईयर तक एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका BE BTech है तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आप बन जाएंगे, और MBA MTech है तो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी बन जाएंगे। अगर क्वालिफिकेशन मैकेनिकल है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ और फॉर्म को अप्लाई कर दो। चलिए नेक्स्ट है मेरा बैक्स्टर की तरफ से। बैक्स्टर में यहाँ पे जावा इंजीनियर की पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका अप टू 3 ईयर्स भी वर्क एक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका बैंगलोर रहेगा। यहाँ पे BE BTech कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल में है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगर मैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो फिनजेरा की तरफ से मेरी नेक्स्ट अपडेट है, और बेसिकली इंटर्न है दोस्तों। तो जो बच्चे पास आउट नहीं हुए हैं, जिनको इंटर्नशिप करना है इस ईयर में, तो ये उनके लिए है। तो आपका जॉब लोकेशन चंडीगढ़, मतलब एक यू कैन से मतलब द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल सिटी है इस तरीके से एक टैगलाइन है चंडीगढ़ की। तो बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा भी आएगा वहाँ रह के अगर किसी बच्चे का यहाँ पे होता है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर हमारे नोटिफिकेशन से अगर किसी बच्चे की जॉब लगे इन फ्यूचर में, तो यार कमेंट जरूर करना, ताकि हमें ये देख के कि यार हमारे कुछ एफर्ट्स हैं जो किसी बच्चे के काम आए, और बड़ी ही खुशी होगी निम्बस लर्निंग को। तो चलिए दोस्तों अगली अपडेट लेते हैं। मेरी अगली अपडेट है टोरी हैरिस की तरफ से, और यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे फ्रेशर्स क्या है एलिजिबल है, जैसे कि मैंने बताया कि अब की बार आज का जो वीक था वो बहुत बेहतरीन था, लगभग लगभग सारी की सारी जो है
वो फ्रेशर्स के लिए है। बी बी टेक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अप्लाई करेंगे। और जैसा कि मैं बताता हूं कि प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है, तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी दौड़ के जाया करो, डिस्क्रिप्शन खोला करो, लिंक खोला करो और जाके अपना अप्लाई अप्लाई कर दिया करो। चलो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है मेरी हनीवेल की तरफ से एम्बेडेड इंजीनियर की पोस्ट पे। यहाँ पे वैकेंसी निकली, एक्सपीरियंस्ड की वैकेंसीज हैं, फ्रेशर की नहीं है, जिसकी बीबीटेक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे दोस्तों। अगली मेरी जो है बैकर हक्स की तरफ से है, तो बैकर हक्स में यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, फ्रेशर्स एलिजिबल है। करंटली आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं या आप इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ी एमएनसी है, इसके अंदर इंटर्न करने का आपको मौका मिलेगा। और डेफिनेटली जब आप पास आउट हो जाएंगे अपने इंजीनियरिंग से, तो आपको डेफिनेटली बैकर हग्स कंपनी का टैग मिलेगा और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आगे इंटरव्यूज में। तो ये इंटर्न की है, तो आप आई होप कुछ अपियरिंग लोग भी देख रहे होंगे हमारी वीडियो, तो ये उनके लिए है, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करें। अगली मेरी अपडेट है 10 कदम की, एंड दिस इज माय 10 कदम लास्ट अपडेट एक्सपीडिया की तरफ से। एक्सपीडिया में निकली है डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की पोस्ट, लोकेशन रहने वाली है दोस्तों दिल्ली। और यहाँ पे अगर आपके पास में 1+ ईयर का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन बी बी टेक एम ई एम टेक इन एंड बी एस एम एस, अगर आप कंप्यूटर साइंस और आई टी में, तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत सारे लोग इन 10 कदम में जितनी भी 10 पोस्ट निकली हैं, जितनी भी 10 पोस्ट के बारे में मैंने बताया आपको, एलिजिबल हैं। और अगर यार वीडियो अगर पसंद आई आज वाली, तो यार शेयर करो, और मैं इसका जो टारगेट है ना 130 रख रहा हूँ, और अब मुझे अप्रिशिएशन आप दे भी रहे हो, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड यही मेरा एक पोटेंशियल है, यू कैन से कि यही मेरा एक ड्राइविंग फोर्स है जो मैं ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए जॉब, क्योंकि आपका अप्रिशिएशन मुझे मिलना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 130 लाइक्स, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। और आपके लिए एक वन मोर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, निम्बस इंजीनियर्स एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है निम्बस लर्निंग, एंड निम्बस लर्निंग में ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जितनी भी ब्रांच आपको दिखाई दे रही हैं, गेट 2022 एंड 23 के जो न्यू बैच हैं वो अवेलेबल हैं, ऑन गोइंग हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सीएस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आप किसी भी ब्रांच के हैं तो ये यहाँ पे नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं आप, और यहाँ पे लाइव बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और एक और नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी क्विज कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों आप अगर उस क्विज में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे डिटेल वाइज हमने बता रखा है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बेहतरीन अपडेट के साथ, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी में एक अपॉर्चुनिटी और ऐड कर दी जाए। तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.